पुलवामा हमले के बाद आगामी वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के साथ ना खेलने की मांग पर भारतीय कप्तान विराट कोहली ने चुप्पी तोड़ दी है। कोहली का कहना है कि इस संबंध में जो भी फैसला लिया जाएगा हमें मंजूर होगा। रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले T20 मैच से ठीक पहले विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की। भारतीय कप्तान ने कहा कि पुलवामा में जो कुछ भी घटना हुआ उससे मैं बहुत ज़्यादा दुखित हूँ। दुख की इस घटना में हम देश के साथ थे। हमले में मारे गए शहीदों के परिवार के प्रति मेरा और टीम की संवेदनाएं हैं। इस संबंध में भारत पाकिस्तान के खेलने पर सरकार और बोर्ड जो फैसला लेगी हमें वो स्वीकार होगा। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा जिले में जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर अपनी विस्फोटक से लदी AK-7 CRPF की बस से टकरा गई और उसमें विस्फोट कर दिया। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद ने ली। यह साल 1989 में जम्मू कश्मीर में अलगावादी अभियान शुरू होने के बाद एक दिन में सुरक्षा बलों पर किया गया यह सबसे बड़ा हमला था। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट।